एवरीवन, वेलकम टू क्लास सिक्स पोयम रेन इन समर। हम कल सेकंड स्टैंजा के बारे में बात की थी। क्या बात की थी कि किस तरह से पोयट ने रेन को ट्रैम्प ऑफ हूप्स उसके साथ कंपेयर किया था। पता चला ना आपको कि ट्रैम्प ऑफ हूप्स क्या है? जब पैर जब घोड़े भागते हैं तो कैसी आवाज आती है, उसके साथ कंपेयर किया था। आज हम थर्ड स्टैंजा के बारे में बात करेंगे। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मजी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोज द रेन द वेलकम रेन। यहाँ पोएट ने यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जब बारिश आती है तो आप विंडो से हम खड़े रहते हैं तो कैसा महसूस होता है, बारिश गिरती है तो बारिश के बूंदे हम पे आती है तो कितना अच्छा लगता है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड, यहाँ पोयट ने ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह जब बारिश आती है तब रास्ते पे कितना पानी आ जाता है तो सारी धूल मिट्टी सभी चीजें उसके साथ बहने लगती है। यहाँ पोयट ने रेन को रिवर को जो पानी बहता है उसके उसको लेके बात की है। यहाँ रिवर नहीं होती लेकिन जो पानी जो बहता है रोड पे जो बड़े बड़े रास्ते हैं उस पे पानी बहता है उसे एक रिवर के जैसे कहा है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, रोड्स भी थे ना कि द शेर दहाड़ता है द लायन रोड्स। यहाँ जो बारिश गिरती है जो आवाज आता है वो रोड की तरह कहा है। यहाँ द रेन द वेलकम रेन, आपने देखा है कि यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में जब फर्स्ट लाइन है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन द हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन द वेलकम रेन ये लाइन यूज की है। ये एक तरह का ये पोएटिक डिवाइस है, हम उसे कहेंगे रिफ्रेन। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। ओके, गुड बाय एवरीवन।